जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से ठीक पहले क्या बोले पाकिस्तान की जनता, हेडलाइंस इंडिया की चैनल की ओर से वीडियो है। क्या बोले भाई, पाकिस्तान जनता भी अब देख रही है कि भाई वहां पे कितना विकास हुआ है। अब बोलने के लिए उसके पास कुछ लफ्ज नहीं है। पहले क्या था कि वो इंटरनेट की सुविधा ये सब कुछ कम मात्रा में थी। अब वहां के बच्चे बच्चे देख पा रहे हैं कश्मीर की वहां पे क्या क्या डेवलपिंग हुई है, तो अब बोलती बंद हो चुकी है। वैसे भी तो चले दोस्तों पहले वीडियो ही तो देख ले, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट। नहीं, कश्मीर के लिए तो हमने कुछ भी नहीं किया और जम्मू कश्मीर जो है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने काफ़ी उनको डेवलप कर दिया। वो जो आर्टिकल था 370 वो भी चेंज कर दिया। और हमारे खिलाफ तो हमारा तो यही आइडिया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो तो काफ़ी ऊपर चला गया और कश्मीर हमारा जो कश्मीर है उसमें भी अब लोग उठ कर खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना और वो अब अलग रहना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं सवाल आपसे यही करना चाह रही थी कि आर्टिकल 370 जब से रिमूव किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को वहां पर विजिट करेंगे गुलाम आजाद स्टेडियम के अंदर एंड वहां पर यूथ से खिताब करेंगे, उनको मजीद आगे लेकर बढ़ेंगे, तो क्या फर्क है हमारे जम्मू एंड कश्मीर आजाद कश्मीर में उनके, हमारे हुकूमत में उनकी हुकूमत में? सबसे बड़ा जो फर्क है वो एस्टैब्लिशमेंट है। हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इंडिया जो है उन्होंने काफी डेवलप कर दिया कश्मीर को। हमारा तो जो कश्मीर है वो हमसे तंग आए हुए हैं। उधर ना तो कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छा कारोबार है, कुछ भी नहीं है उधर। और इंडिया का देख लो, 5 फरवरी का दिन मनाते क्यों है जब हमने कुछ करना ही नहीं है वहाँ पर बैठकर? बस क्या कह सकते हैं इस बार, मतलब हमने, हमें कहते हैं, टॉर्चर करते हैं कि भाई हमने रेजोल्यूशंस पेश करनी है जाकर यूएन के अंदर कि हमें कश्मीर आज़ाद चाहिए, कश्मीर के नाम पे हम फंड्स ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो हम, आपने हॉस्पिटल्स नहीं है वहाँ पर एजुकेशन के लिए, तो फिर वो फंड्स किधर जाते हैं? फंड्स वो एस्टैब्लिशमेंट ब्यूरोक्रेट्स वो सब खुद खा जाते हैं। कश्मीर को कश्मीर का हक नहीं मिलता, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का हक नहीं मिलता, खैबर पख्तूनख्वा, सिर्फ सारा बजट जो ये पकड़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट अपने पास रख दिए और ये पंजाब पे लगा देते हैं। 10 साल हो गए नरेंद्र मोदी को हुकूमत करते हुए भारत में, आपने 76 साल में ज्यादा कौन मजबूत नजर आया, पाकिस्तान या इंडिया? इंडिया तो माशाल्लाह मेरे अपने दोस्त है, मैं खुद यूरोप में रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे दोस्त है वो कश्मीर जाते हैं। कश्मीरी वाम जो है वो खुद, अब पाकिस्तान वाला जो कश्मीर है वो तो अब सारे उठ खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने अलग रहना है पाकिस्तान के साथ, तो हमने रहना ही नहीं। फ्यूचर क्या है, क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको यहाँ पर? हमारा तो यहाँ पर तो आपको भी पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कारोबार नहीं है। बाकी जो फ्रीडम होना चाहिए यहाँ पर, हर बंदे का राइट होना चाहिए कि अगर आप, बलोचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने नहीं रहना पाकिस्तान। लेकिन सबसे पहले देखना चाहिए कि एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान फेल हुआ है हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर। अब देखिए हमने क्या डेवलपमेंट किया। मैं पिछले दिनों रावला कोट गया था, कुछ डेवलपमेंट नहीं है, पूरे इलाके के अंदर एक यूनिवर्सिटी है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, तनकीद पर इसलाह कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद सीए का स्टूडेंट हूँ एक। अब देखिए उन्होंने डेवलपमेंट की है इतनी ज़्यादा उनके, तो वहाँ के लोग, उनके दिल नरम हो जाएंगे कि वो कहेंगे कि यार जब डिवेलपमेंट यह हो रही है, जब पाकिस्तान का नाम आता है तो सबसे पहले टेररिज्म, दहशतगर्दी, तो ऐसे मुल्क में रहना कौन पसंद करेगा? अब हम बिलफर्ज कोई ना अंग्रेज़ आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, अब वो आ रहा है वो सबसे पहले गूगल पे चेक करेगा कि मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह यहाँ पे सेफ है। केपी के कुछ इलाका तो अनसेफ है, बहुत सारे मुल्कों के जो लोग होते हैं उनकी एजेंसियाँ कहती हैं कि इन इलाकों में तो जाना ही नहीं है, कुछ इलाकों में जाना है। अब नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जोर लगाया है कि वहाँ की जो यूथ है, क्योंकि जो पहली वाली जनरेशन थी ना पत्थर मारा करती थी फौजियों को, अब कोई वाकया सुनने को नहीं मिलते क्योंकि वो जनरेशन अब बूढ़ी हो चुकी है, अब नई जनरेशन को अकल है। मैं यही कहूँगा इसके ऊपर कि जैसे वहाँ पर तरक्की हुई है यहाँ भी होनी चाहिए अलग। वैसे तो वजह भी अलग है हमारे आज़ाद कश्मीर के, बजट बढ़ाना चाहिए,
जितना बढ़ा सकते हैं। कहाँ से बढ़ाएं? आपने रिसेंटली देखा होगा कि दुबई के अंदर, यूएई अगर हम बात करें, अबू धाबी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। डेफिनेटली सी बात है, मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पर आप नरेंद्र मोदी की पावर देख सकते हैं। कतर का वाकया आपने सुना होगा कि 8 नेवी ऑफिसर्स को वापस भेजा गया है भारत में, वहाँ पर भी आप उनकी एम्पावरमेंट देखें कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर आपने कहा कि बजट एलोकेट, बजट कहाँ से एलोकेट करें, हमारी तो अपनी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। आपने 8 फरवरी से इलेक्शन हुए हैं, आपको नज़र आया कि कौन इलेक्ट हो चुका है, सिलेक्ट कौन हो चुका है? देखिए बात ऐसे वैसे पहले आपने बात की दुबई में मंदिर वगैरह बने हैं, आजकल ना हकीकत ये है कि पैसा सब कुछ रह गया। इंसान का आजकल सबसे बड़ा मज़हब पैसा है, सबसे बड़ा खुदा पैसा है। जब हमारे पास पैसा नहीं है ना, तुम्हें कोई भी, तुम्हें अफगानिस्तान ही पूछेगा, हम पाकिस्तान को अफगानिस्तान ही पूछ रहा है। फिलहाल तालिबान आँख दिखा रहे हैं, सीधी सी बात है, ईरान आँख दिखा रहा है, ईरान जैसा मुल्क, अफगानिस्तान जैसा मुल्क पाकिस्तान को आँख दिखा रहा है। किसकी है यहाँ पर? हमारी हुकूमत की, हमारी आवाम की, क्योंकि आपने डेफिनेटली सी बात है, भारत है, 76 साल उसको भी हो गए हैं, हमें भी हो गए हैं, उसकी आवाम देख लें, उसकी गवर्नमेंट देख लें, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, वन पेज पर हैं, हम कहाँ पर हैं? आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ, जो पॉलिसीज होती हैं ना इम्प्लीमेंट की जाती हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, जनरल मुशर्रफ ले जाएं, अफगानिस्तान के जो मामला ख़राब हुए जनरल परवेज मुशर्रफ से ख़राब हुए, उन्होंने पॉलिसी बनाई कि पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले उनका पाकिस्तान फर्स्ट, इस्लाम को बाद में रखा, अफगानिस्तान के अंदर नफरत फैली क्योंकि उनके मुल्क को हमने तबाह किया माजद के साथ, अमेरिका को अड्डे दिए बिलफर्ज। अब कहते हैं कि अगर अमेरिका को अड्डे ना देते तो पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट मिसाइल फेंकते, पाकिस्तान तबाह कर देते। लेकिन एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है, भारत ने भी तो उसे ज्वाइन किया बाद में दहशतगर्दी के हटाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बात रह गई है पैसों के ऊपर, बेशक वो दुबई हो, सऊदीया हो, जहाँ मर्जी हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, तुम कुछ नहीं हो। और नंबर दो रही बात, अब इसमें कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार वही लोग हैं जो हुकूमतों को बदलते हैं, स्टेबल नहीं होने देते, पॉलिसी को 10 साल 15 साल चलने नहीं देते। अब बिलफर्ज यहाँ पे मैं बताता हूँ, अडानी का नाम सुना होगा आपने इंडिया के अंदर, अडानी का जो टर्नओवर है ना, एनुअल टर्नओवर साल का, हमारे यहाँ की जो अगर चलाएंगी आप, चलाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अडानी का जो टर्नओवर है ना साल का, वो पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है ना, इसके जो एस पी यूज हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, जैसे DHE हो गया, स्कूलिंग सिस्टम हो गया, DG सीमेंट हो गया, इसका टर्नओवर फौजी फाउंडेशन का और उसके एस पी यूज का एनुअल टर्नओवर अडानी के टर्नओवर से ज़्यादा, चेक कर लीजिएगा आप। अब बताएं कि जिन्होंने हुकूमतें बदली पैसे कहाँ गए? हाँ लवान तो वही है, अब लोग कह रहे हैं कि यहाँ ना मार्शाला लगेगा। एग्जैक्टली सुनने में मैं यही पूछने वाली थी कि अभी अभी हवा में खबर उड़ती हुई है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 4 मार्शल लॉ लग चुके हैं, ये 5वां लग गया तो क्या बनेगा? देखो मैं ना अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं एक CA स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे पेपर्स भी आए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर अब इतना पैसा नहीं रहा कि वो अब कुछ ले सके यहाँ से, आप समझ रही हैं बात मेरी? पहले बहुत पैसा था, बहुत रिसोर्स, अब आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि रिसोर्स कम हो चुके हैं, अब पाकिस्तान ने मार्शाला लगा के भी उन्हें कुछ नहीं मिलना, नहीं तो कब का लग चुका होता, ये इनसे पहले वाले आर्मी चीफ से वो लगा चुके होते। अब बचा कुछ नहीं है, अब इस साल ना हमने हुकूमत इस्टेब्लिश होनी है, हमने IMF ने हमारे पास आना है, उन्होंने हमें $1.5 बिलियन देने हैं। इस साल हमने $5 बिलियन इस साल हमने तकरीबन $25 बिलियन वापस करने हैं इंटरेस्ट की मद के अंदर, लेकिन उनमें से चलो हम रियायत ले लेंगे किसी से, जो $5 बिलियन हैं वो हमने हर सूरत वापस करने हैं इस साल, हर सूरत। उसके लिए हमें एक अगले प्रोग्राम में जाना पड़ेगा IMF के साथ, वो ऐसे होगा कि तकरीबन 10 से 12 बिलियन डॉलर इस साल हम और फंसेंगे उनके साथ। ये इस तरह राउंड एंड राउंड आपने ना देखा होगा कुएं, ये तो एक विशेष सर्कल बन गया ना, एक गंदा सर्कल बन गया जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। चले क्वेश्चन में वाइंड अप करती हूँ इसी सेंस में कि जहाँ पर हमने सुना है कि 5वां मार्शल लॉ भी लगने वाला है, भारत में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, एक इमरजेंसी सिचुएशन आई, उन्होंने एक कर्जा लिया अपना गोल्ड गिरवी रखवा कर, उसके बाद हमें नजर नहीं आया, उनकी तरक्की का राज क्या है एंड उनकी एम्पावरमेंट का राज क्या है? मिडिल क्लास लोग, उन्होंने मिडिल क्लास को बड़ा एम्पावर किया है, मिडिल क्लास पे पढ़ाई पे एजुकेशन लेवल जो है ना वहाँ पे, एजुकेशन तो वहाँ पे अखीर है। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में चले जाओ, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मेरे दोस्त हैं 4 दिन कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 5 दिन, कोई यहाँ नए नज़रिए की बात नहीं करता, डिवेलपमेंट की बात नहीं करता, वही रटी रटाई चीज़ें, वही निज़ाम, वही बोर्ड, वही 10वीं, वही 12वीं, A लेवल, O लेवल निकल जाते हैं आगे,
बाकी उर्दू मीडियम छोड़ जाते हैं, उर्दू मीडियम खड़े हैं वहीं पे, उर्दू मीडियम वहीं पे खड़े हैं। सीधी बताओ, अगर पाकिस्तान को सुधारना चाहते हो, अभी एक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ठीक है, मेमोरेंडम चार्टर्ड बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर लिखा जाएगा 15 साल ना हम पॉलिसीज बना रहे हैं, हुकूमत 10 बार तब्दील हो, 20 बार तब्दील हो, लेकिन कम से कम 15 साल ये पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, ये चेंज नहीं होंगी, चेंज होनी चाहिए। और कम से कम भी ना, अब जो लीडर आए, हमारी दुआ है कैदी नंबर 804 आए, लेकिन जो भी आए, अब आना तो उन्होंने, जो फैसला हो गया, जो भी है उस इस बारे में सोचे कि कम से कम 15-20 साल पुलिसिस कहीं ना जाएं। आपने एक चीज मेले में देखी होगी, मौत का कुआं होता है, उसके गिर्द लोग उसके गिर्द बाइक भी घुमाते हैं, गाड़ी भी घुमाते हैं, हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान ना उसी मौत के कुएं के दरमियान में घूम ही जा रहे हैं, और ये निकलने का पूरी दुनिया, जैसे मौत कुएं के बाहर लोग लुत्फ लेते हैं, पैसे गेरते हैं अंदर, ऐसे ही जो लुत्फ लेने के लिए ना बाकी दुनिया कुछ पैसे गेर देती है, फिर हम घूमते हैं वो फिर पैसे गेर देती है, इस राउंड राउंड से निकलना ना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। और मुझे नहीं लगता कि जो वो सोच रहे हैं कि कुछ सालों के बाद भी हम निकल सकते हैं, इसका हल ये है कि पॉलिसीज बनाई जाएं जो 15 से 20 साल कहीं ना जाएं, कम से कम भी। सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान के अंदर और जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं हमारे एशिया के अंदर, इनकी जो मेन पॉलिटिक्स रही है वो बॉर्डर के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनके ऊपर रही है। और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि अभी हमारे इलेक्शन हुए हैं तो उनके जो ज़्यादा जो नहीं नतीजे को बाद की बात है, उनके जो मंशूर रहा है उस वक्त तो ज़्यादातर यही रहा है जम्मू एंड कश्मीर तक करीब। तो अब जो इंडिया के अंदर आप देखेंगे करीब के वर्ल्ड के अंदर 6 से 7 जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं और इंडिया के अंदर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंडिया भी आपके पास देखें तो उनका भी यही मंशूर है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ही अपनी पॉलिटिक्स को जारी रखें। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी वहाँ पर जा रहे हैं और जाकर वो कॉलेजेस वगैरह ये सारा कुछ, जैसे कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकल एक सियासी मंशूर होता है हर किसी का, हर जगह पर इलेक्शंस हो रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि चलिए इलेक्शंस हो रहे हैं तो हम जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पर उनका भी वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है जब हमने भी तो यही हरकतें की है ना, चले वो ये हरकतें करके वहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो लेके आ रहे हैं, स्कूल बन गए, कॉलेजेस बन गए, मॉल्स बन गए, सिनेमा घर बन गए, अब वहाँ पर ट्रेन स्टेशन बनने जा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो फायदा दे रहे हैं, हम तो वो भी नहीं आजाद कश्मीर को दे रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर को वो भी नहीं दे रहे। हाँ अच्छा, आपका जो पर्सपेक्टिव है इस लिहाज से, बेसिकली वो उन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि ये हमारा हिस्सा नहीं है। हाँ। इस लिहाज से वो तो कभी उसको अपने यानी कि कंट्री का हिस्सा समझते, इस लिहाज से वो तो उन्होंने काम करना ही करना है। हमारे अगर देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत से क्राइसिस है, कोविड के बाद, कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद, जितनी भी आप देख सकते हैं कि हालात वाकत है पाकिस्तान के ऊपर, ऊपर इसके बाद रशिया यूक्रेन वार है, आपके पास गजा का कॉन्फ्लिक्ट है, इनके वर्ल्ड आर्डर चेंज हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली फ्लड आए हैं, ये मसाइल पाकिस्तान के ऊपर हैं। तो जो ये एरियाज हैं इसके ऊपर जहर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं वो या तो पंजाब से होती हैं या वो सिंध से होती हैं, तो ये इन्होंने सिंध, फैसलाबाद, कराची और इन बड़े शहरों को ही ज़्यादा सपोर्ट किया, ये बात हकीकत है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं। और हम अपनी रेजोल्यूशन यूएन में क्यों पेश करते हैं जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, जब हम उनके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा मेरे ख्याल से? आप देखें कि इसका जो हल है, जैसे पीछे हमने देखा कि पाकिस्तान के वो जो स्ट्राइक्स हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, डिस्प्यूट बढ़ा था क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, इसका हल सिर्फ और सिर्फ बात तो चीज से है, तो यूएन के अंदर भी बातचीत होगी हमारी हुकूमत के कि चलो बैठ के बातचीत कर लेते हैं। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे यानी कि लिए गए नैरेटिव लेकर जाते हैं यूएन के अंदर भी, यूएन के अब आप देखेंगे मसला ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है जिन्होंने फैसला करना है यूएन के अंदर बैठे हैं उन लोगों ने, उनके लिए ये चीज़ इतने मायने नहीं रखती, क्यों? क्योंकि इट्स टू फार अवे फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। तो आप देखें ना, अब उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन को वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज है वो उनके पीछे क्यों लगे हुए, क्यों? क्योंकि उनके वो तो नाइबर हैं, इनकेस अगर रशिया उनको जैसे कि उनको करता है, रशिया वहाँ पर पावर जमाता है तो अगला टारगेट उसका यूरोपियन कंट्रीज है, वो तो करेंगे एग्जैक्टली। अब उनको क्या लगे कि वो कश्मीर हूँ, वो जानते ही नहीं है, तो ये मसला है मेरे ख्याल में कि वो उनके जहन में ही नहीं है कि कोई कश्मीर भी होगा, तो ये चीज़ है। लेकिन एक बात है कि इसका हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत है, मतलब टेबल टॉक ही है, टेबल टॉक है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जो है वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं और उसको अपनी तरफ वोट अपना वो लेके जाना चाहते हैं अपने हक में, जम्मू एंड कश्मीर को।
क्योंकि आज़ाद कश्मीर तो हमारे पास है, जैसा भी हम उसके साथ कर रहे हैं सबको पता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम अभी तक चल रहा है, उसको वो अपने अकॉर्डिंग या अपनी तरफ लेके जाना चाहते हो, इन्फ्लुएंस बनाना चाहते हो। तो कब तक ऐसे ही होगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बेसिस पर आपने बात की है, लेकिन स्टिल देखा जाए इम्प्रूवमेंट तो हुई है जम्मू एंड कश्मीर में, आज़ाद में फिर क्यों नहीं हुई? वो उसका भी तो इन्फ्लुएंस होना चाहिए ना हमारी पॉलिटिकल। हमारे अपने मसाइल इतने कि हम उससे निकल के बात करें तो बात हो। लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, आपने देखो कि कितनी मीम्स बनती हैं हमारे ऊपर, 2 किलो आटा भेज दो पाकिस्तान में, वो है नहीं है कुछ खाने के लिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जैसे जैसे अब यूथ है, जिस तरह से ये इलेक्शन में मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया, एक सच की तरफ उन्होंने सपोर्ट किया, तो नेक्स्ट मैं समझता हूँ कि कुछ अरसे बाद ये भी होगा। तो लगता है कि स्टिल 5 फरवरी का दिन मनाना हमारा हक बन रहा है, जबकि हमने अभी तक कुछ किया भी नहीं है। अभी बस हम ये बातों तक ही है, बातों तक ही है हमारा, ये मैं कहता हूँ हक नहीं बनता, क्योंकि अगर हक बनता है तो हमें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो क्या ख्याल है फिर कि हम कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारग है, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है उसको संवारना ज़्यादा बेहतर है अभी हमारे लिए? जी जी संवारना चाहिए हमें, हमारा जम्मू आज़ाद कश्मीर को संवारना चाहिए हमें, अपने जो नेबर कंट्रीज है उनके साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए, जिससे ये हमारा रेजोल्यूशन या जो हम यूनियन काउंसिल में जा यूनाइटेड नेशन काउंसिल में जाके ये प्रॉब्लम उठाते हैं, वहाँ पे हमें अपने वोटिंग या अपने हक में सबको करना चाहिए, जो कि होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्या लेते हैं, क्या बेसिक वजह, क्या करते हैं हम बाहर प्लेटफॉर्म्स पर जाकर? हमारे बेसिकली जो फॉरेन रिलेशन या फॉरेन पॉलिसी है, मैं कहता हूँ उसमें कोई मजबूत नहीं है। और आपको पता है जब जयशंकर जाते हैं ना, डॉक्टर जयशंकर की बात करें, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी बात सुनने के लिए आवाम कान धरती है, हमारी बात पे कोई तवज्जो देता। आपने देखा होगा जब हमारे कह लेंगे जो फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब कि परमानेंट नहीं थे, शहबाज शरीफ थे आई थिंक, से जब गए थे उनके पसीने छूट रहे थे बात करते हुए। तो इस किस्म की हमें लीडरशिप चाहिए? नहीं, इस तरह की नहीं चाहिए लीडर। मैं कहता हूँ कि लीडर होना चाहिए जो कि बात करे तो पता चले। यहाँ पे आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के बाद भी जो है ना वो अभी भी वहाँ पे जो है ना वो अलहदगी पसंद तंजीमें जो है ना वो वर्क करती हैं, और वो समझते हैं कि हमें जो है ना वो यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो है ना हमें जो है ना वो राइट्स दिए जाएँ। लेकिन यहाँ पे इस साइड पे देख लें कि यहाँ पे हम उन्हें नहीं कहते, हम कहते हैं आप अलग आइडेंटिटी रखते हैं, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कंसिडर करते हैं कि हम जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हैं। सो ये बेसिकली ये कह लें कि हाँ ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान जो है ना ओवरऑल आप कभी सिंध में जो हमारे जो है ना इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, आप वहां पर ट्रेवल करें आपको लगेगा कि कश्मीर से कहीं ज्यादा जो है ना वो पॉवर्टी जो है ना वो वहां पे है, ठीक है। आप बलूचिस्तान के एरियाज में विजिट करें आपको लगेगा वहां पे ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी आप जहाँ पे नेगेटिव में जा रही है, तो वहाँ पे जो है ना वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कहाँ से जो है ना वो रन होंगे, वो कहाँ से पैसे लेके जो है ना वो करेंगे, तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस ही वर्स मोर देन वर्स्ट है। सो ऑब्वियसली बात है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट जो है ना वो कहीं पे भी, इवन के पाकिस्तान में भी अभी जो है ना वो डिफरेंट पार्ट्स में जहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हुए 5 फरवरी का जो दिन है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? रिसेंटली हम लोगों ने किया है जहाँ पर हमने कहा है कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जबकि उस कश्मीर के लिए हमने क्या किया, हमने कितना कुछ पुट किया है वहाँ पर, कितना रेशो उनको प्रोवाइड किया है। आज़ाद कश्मीर में कर नहीं रहे हैं, जम्मू की बातें हम लोग करते हैं। बेसिकली ये है कि हमने उनको जो है ना वो उनका वजीर आजम दिया हुआ है, जिस कानून के तहत जो है ना वो हमारे साथ अटैच हुए थे, और जो उनकी ओरिजिनल डिमांड थी हमने उसको जो है ना वो एक्सेप्ट किया हुआ है। और आप ये देखेंगे कोई भी पाकिस्तानी जो है ना वो ना ही जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में और ना ही आज़ाद कश्मीर में प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकता है, ठीक है। हमने उनको जो है ना उनके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, जब वो चाहेंगे तब वो पाकिस्तान के साथ जो है ना वो मर्ज हो सकते हैं, विदाउट देयर कंसेंट जो है ना वो हम कानून को चेंज करके चाहते हैं। लेकिन वो तो चाहते हैं, हमने रिसेंटली क्या, आपने भी बल्तिस्तान की बात की, उसको विजिट किया, उनकी नेशनल असेंबली की सीट्स भारत में नजर आती है, इधर नजर क्यों नहीं आती है? वो कहते हैं हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करे। बेसिकली ये है कि मेरा भी लास्ट विजिट जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ था, और आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो तो यूजुअली जो है ना वो जाना होता है, लेकिन वहाँ पे ये है कि वो ये कहते हैं कि भाई हमारा वजीर आजम ठीक है, हमारी जो है ना वो इसी तरह रहने दिया जाए, बस ये है कि कोर्ट्स जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के पास जो है ना वो अपने कोर्ट्स नहीं थे, तो इस वजह से जो है ना वो उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ही आना पड़ता है, बस उनकी ये वाली डिमांड थी। अदरवाइज आप ये कहें कि वो कभी भी नहीं, वो जब यहाँ पे दोस्त होते हैं जो वो गिलगित बल्तिस्तान में जा रहे होते हैं वो कहते हैं वी आर मूविंग फ्रॉम पाकिस्तान, हम जो है ना वो कल पहुंच जाएंगे, ठीक है।
तो उनका ये वाला होता है वो कतन भी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ अभी तो खैर नहीं जो है ना वो मैच होना चाहिए। इंडिया में जो उनकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी आवाम के ऊपर जो इन्वेस्ट किया है वहाँ पे उन्होंने आवाम को पढ़ाया, अपना आईटी सेक्टर ग्रो किया है, उन्होंने अपनी फ्री लांसिंग कम्युनिटी को आगे लेके गए जिसकी वजह से उनके पास बाहर बिजनेस करने का उनको मौका था उनके पास और वो आगे गए। इस वजह से हमारे यहाँ पे जो एलीट क्लास है हमारी वो जो निचला तबका उसको आगे नहीं आने दे रही। पेपाल आपके पास एक बड़ा इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि वो आ रहा था और वो नहीं आया, तो हमारी जो एलीट क्लास है वो इस तरह की चीज़ें कर रही है जो छोटी हमारी आवाम उसको आगे आने नहीं दे रही। अभी भी काफ़ी ज़्यादा मसले हैं और हमारी जो जड़ वैसी जो चीज़ खा रही है मैं नाम नहीं लूँगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी आवाम नहीं आगे। यहाँ पर नाम भी नहीं ले सकते हैं, आपने सुना होगा मैट्रिक किया आपने, इंटर किया आपने, बैचलर भी किया होगा, कश्मीर के बारे में लाजमी सुना होगा, 5 फरवरी का दिन सेलिब्रेट करते हैं, उसके अलावा कभी देखे आपने कश्मीर के लिए कुछ किया हो या उसके लिए सिर्फ कुछ कुछ भी बोला हो, कुछ बजट दिया हो? नहीं नहीं ऐसा ऐसा कर ही नहीं सकते, उन लोगों को अपनी पड़ी हुई है। हाँ। ये चीज़ें करने के लिए सबसे पहले तो आपका पेट भरा होना चाहिए। हाँ। तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी होनी चाहिए, वो जब तक आपकी पूरी नहीं होंगी आप कैसे किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? अव्वल तो आपके अपने मसले ठीक नहीं हुए अभी, जब बंदा अपनी नीड से आगे गुजरेगा फिर इन चीज़ों के बारे में सोचेगा। बिल्कुल आपकी ये भी बात जेन्युइन है कि पाकिस्तान लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान को इतना किलो आटा भेज देना चाहिए ताकि पाकिस्तान में रोटी पूरी हो, जो आवाम की रोटी पूरी नहीं हो रही है। एंड सेकंडली अगर देखा जाए, आपने जम्मू एंड कश्मीर की बात सुनी कि जो हम 5 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं उसी की मैं बात करी थी आपसे कि वहाँ पर नरेंद्र मोदी खुद जाने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इतनी प्रोग्रेस उसका जो टोटल बजट है जम्मू एंड कश्मीर का पाकिस्तान के एक सिटी का बनता है या कह लें कि टोटल पाकिस्तान का बनता है वो। अब पाकिस्तान क्या करेगा? हमारे इलेक्शन गया, हमने अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा, कोई असेंबली नहीं बनते हुए देखी, कोई ये नहीं देखा कि अच्छा अब हमारे एजुकेशन का वजीर ये है, आईटी का वजीर ये है, वहाँ पर हर चीज़ डेमोक्रेसी आपने देखी बहुत अच्छी है वहाँ की। जाहिर सी बात है वहाँ पे आप आपकी जो करप्शन है वो खुलेआम नहीं कर सकते। हाँ? हर किसी को सोचना पड़ता कुछ करने से पहले। आपके यहाँ पे 5 दिन तक आपका रिजल्ट नहीं आया इस चीज़ का, अब आपका इस चीज़ पर देख लें कि इतनी खुलेआम चीज़ें हो गई हैं, लोगों ने इतना इस चीज को अंडरस्टेटमेंट हो गई है कि अब लोगों को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लोग मतलब सुन हो गए, कहते चलने तो जोर है। तो यही बात है आपके सामने है सारी चीजें, आप इसके बारे में सोचना भी कोई? इसका सलूशन बस पाकिस्तान से चले जाएं तो ये सलूशन है, इसका कोई सलूशन नहीं। पाकिस्तान से ऑलरेडी पिछले साल 7 लाख गए हैं, इस साल 8 लाख चले गए हैं, अब और कितने जाएंगे सर? तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा ही है, अल्लाह करे अल्लाह सबको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, तो यहाँ पे निज़ाम चल नहीं सकता ना लोग आगे जा सकते हैं। ओके तो ये थी पाकिस्तानी आवाम की राय, आपकी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो बहुत लंबा था दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यहाँ देखा मतलब आपको इंटरेस्ट आया था, उसका मतलब ये होता है। और खुद देखो कभी कभार तो मैं इन पाकिस्तान एंकरों के ऊपर भरोसा कम मात्रा में करता हूँ, रीजन मैं आपको बता दूँ क्योंकि यही एंकर होते हैं। देखो यहाँ पे मैं ये वीडियो में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमने जो देखा वो बोलता हूँ कि कहीं कभी कभार अब जो एंकर है ना खुद बोल देते हैं कि आपको भारत की सिर्फ तारीफ ही करनी है, ठीक है, और आपको पाकिस्तान की बुराई करनी, मतलब ये व्यूअरशिप पाने के लिए। देखो ये बात समझ में आती है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर और भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके जब वो बोलते हैं तो वो उसकी जबान और उसके जो पीछे का जो विचार थॉट होता है वो सब कहीं कहाँ कभी भी वो एक मैच नहीं होता। इंसान जब बोलता है तब उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है या ये सत्य बात कर रहा है। तो आप खुद देख लीजिएगा जब ये वीडियो चलती है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, तब आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ बातें बना रहा है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है। पाकिस्तान में कहीं भी कभी भी ओरिजिनलिटी होती तो सबसे अभी लेटेस्ट वहां पे जो जुमला हुआ है इलेक्शन का, वो आपने देखा होगा, आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे बात हो रही थी कश्मीर की, तो देखो कश्मीर का डेवलपिंग में कोई कमी नहीं, धीरे धीरे कश्मीर में डेवलपिंग और भी बढ़ रहा है। हाँ। मोदी साहब भी वहां पे जाएंगे, अभी तो वहां पर और नहीं सब वंदे भारत, हाँ वंदे भारत ट्रेन जो हमारी है उसका इनॉग्रेशन भी है इस विजिट के दौरान, तो वो भी देख लीजिएगा। और दूसरी बार पाकिस्तान साइड का देखो, यही लोग बोल रहे हैं ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान फलाना ढिमकाना, अब खुद का पाकिस्तान संभल नहीं रहा है, जल्द ही वहां पे और एक बांग्लादेश बनने की तैयारियां चल रही है क्योंकि टीटीपी ने ऑलरेडी धमकी दी है। आपने कभी कभार न्यूज चैनल हमारे रेगुलर फॉलो कर रहे हो, हमारे ये जो रिएक्शन चैनल है सॉरी उस पे, तो आपको पता होगा
पीटीडीपी ने खुलेआम बोल दिया कि पाकिस्तान रेडी हो जाओ 1971 के लिए। हाँ। तो ये होने वाला है पाकिस्तान के मिनिमम 5 पार्ट पढ़ने वाले हैं। और डीटीपी जो धमकी देती है वो मतलब उन पर वो धमकी नहीं देती, वो बोलती वो करती होता है, एक्शन होता है। तो टीटीपी का मतलब मैं तो जितनी बार टीटीपी ने बोला है ना उतनी बार उसने वही किया, इसलिए मैं बोला कि उसका कभी धमकी नहीं होता, वो तो बोलते है वो करते है। तो बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।